ये लड़की सृष्टि जो आपके यहाँ पर पीजी रहती है। नहीं, पीजी नहीं है वो, सृष्टि मेरी बेटी है। प्रीता और सृष्टि मेरी बेटियां हैं, बुलबुल और प्रज्ञा की बहने। अरे वाह, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ को नहीं पता कि वो मुझ जैसे दरिंदे के साथ उलझ रही है, और तुम्हारी ये बेटी सृष्टि, ये तो तुमसे भी दो कदम आगे निकली। इसने जो मेरे साथ आज किया है बहुत गलत किया है। अच्छा, मतलब मैंने गलत किया और जो तुम उस लड़की के साथ कर रहे थे वो सही था? संजू उस लड़की को अपने आइटम बनाना चाहता है, इसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है? इस इलाके में आज तक किसी ने मेरा रास्ता नहीं काटा है, समझी तुम? मैंने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। हाँ की, और दोबारा ऐसी वाहियात हरकत करोगे ना तो फिर से बेइज्जती करूंगी, बिकॉज़ यू डिजर्व इट। देख, तू मुझे गुस्सा दिला रही है, और एक बार ये गुस्सा संजू के दिमाग में चढ़ गया ना, न दाएं देखता हूँ न बाएं देखता हूँ, बस सीधा अपने शिकार। आज तक संजू को किसी ने उल्टा जवाब नहीं दिया और तू मुझे चैलेंज कर रही थी। अब देख, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। सबके सामने इसने मुझे गिराया, सारे मोहल्ले में मेरी इज्जत है। जब मैं बाहर निकलता हूँ ना मोटरसाइकिल पे, लोग मेरी मोटरसाइकिल की आवाज से डरते हैं, अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। उसने हमारी बुलबुल और प्रज्ञा को इतना सताया, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। आज वो जेल में सड़ रहा है। तू भी अगर अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो तुझे भी जेल पहुंचा देंगे। नारी शक्ति में बहुत दम है। औरत को कभी कमजोर मत समझना, उसकी इज्जत उसे जान से भी प्यारी होती है। एक औरत अपने झाड़ू से अपने घर की गंदगी साफ करती है ना, आज उसी झाड़ू से हमने समाज की गंदगी को साफ करने की कोशिश की। तू कितना भी ताकतवर हो, अपने घर में तेरी इज्जत का फलूदा निकालेंगे जो तू सोच भी नहीं सकता। अबे बेवकूफो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इन औरतों को। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अरे अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई ऐसा करता तब भी तुम ऐसे चुप रहते? गुस्सा नहीं आता? आता ना, कम से कम इज्जत तो रखो उस माँ की जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उस बहन की जो राखी बांधती तुम्हारे हाथ में ताकि तुम उसकी इज्जत की रक्षा करो। कुछ पैसों की वजह से उस दरिंदे के साथ दे रहे हो। अगर जरा सी भी शर्म है ना तो इसी समय इस घर से बाहर चले जाओ। हद हो गई। हाँ, और किसके हुक्म का इंतजार कर रहे हो? उस पिद्दू के? अरे उसके तो पहले ही जान के लाले पड़े हुए, वो क्या मदद करेगा तुम्हारी? दफा हो यहाँ से। चलो चलो। आंखें नीचे, नहीं तो यही आंखें निकाल दूंगी मैं। और सृष्टि को ही क्या, अगर किसी और लड़की की तरफ ऐसी गंदी निगाह डाली ना, मैं तुम्हारा वो हल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। औरत को कमजोर मत समझना, अगर एक लड़की की तरफ बुरी नजर से देखोगी ना तो याद रखना आस पास खड़ी हुई सब लड़कियां उसकी मदद के लिए आएंगी। ऋषभ पुत्र दरवाजा खोल दे। पुत्र, तू ठीक है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? क्योंकि जब बेटे के ऊपर किसी किस्म की परेशानी होती है तब माँ इमिडिएटली पहचान जाती है। एक बात बोलूं, मुझे पता है तेरी डील टूटी है, एक छोटी सी डील के लिए अपना मूड स्पॉइल मत कर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा इतना काबिल है कि वो 10 और डील स्ट्राइक करके आएगा। ओके, सो ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। कम ऑन, मुझे कुछ तुझे दिखाना है। चल देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। चेयर अप, अपना मूड बदल दे बेटा। बैठ, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। एक मिनट में तेरा मूड यूं ठीक हो जाएगा। बेसन के लड्डू अपने हाथों से बना के लेके आई हूँ। बचपन में जब तू नाराज होता था या रूठ जाता था तो यही लड्डू खिला के तुझे मना दी थी मैं। ये ले, हैव इट। मन नहीं। क्या बात है बेटा, मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा? एक बात बोलूं, एक माँ अपने बेटे को ज्यादा देर तक दुखी नहीं देख सकती। जब तुझे ऐसे दुखी देखती हूँ तब मुझे भी रोने का मन करता है, मेरा भी मन भर आता है। मेरा जब भी मूड खराब होता है ना तो आप कुछ भी करके मूड ठीक कर ही देते। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ मीठा खाता हूँ, आज आपने बना दी।
देखा, मैंने कहा था ना, बेसन के लड्डू देखते ही तेरा मन यूं ललचा जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, खा। Come on, ये हुई ना बात। ये ले बेटा, अब बता तूने कुंडली कहाँ रखी है? कुछ काम था? मॉम, फिर से कुंडली? ओफो, just some work, बता दे। I don't know कहाँ पर है। अच्छा ठीक है ठीक है, नो टेंशन, मैं ढूंढ लेती हूँ, तब तक यू एंजॉय लड्डू। पेंजी, फिर से ना शुरू हो जाना। क्या जरूरत थी किसी के पछड़े में पड़ने की? पछड़े में पड़ने की? लेकिन मैं तो सिर्फ उस लड़की की मदद की है, और अभी आप इन गुंडों के सामने कह रही थी ना, मुश्किल घड़ी में औरत ही औरत के काम आती है, इज्जत इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल दैट। उम्र क्या है तुम्हारी सृष्टि? क्या छोटी, इसलिए सपनों की दुनिया में ही रहती हूँ। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि असल दुनिया में किस तरीके के लोग रहते हैं, घटिया, गंदे, गुंडे। आज तुम्हारी वजह से वो गुंडे का भाई, कॉर्पोरेटर का भाई। इसीलिए कह रही थी, छोटी हो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितना बड़ा गुंडा है। पहले उसका भाई और अब वो। अरे गली के गुंडे में जानती हूँ, तुम्हारी वजह से वो हमारे घर के अंदर घुस गए। कुछ भी हो सकता था, जानती हूँ कि दिल खड़ा करके कैसे मुकाबला किया है, सबके साथ दिया, लेकिन डर गई थी मैं, कुछ भी तो कर सकते थे। अरे वो गुंडा अगर पीछे को धक्का दे देता, उन्हें कुछ हो जाता तो, जानकी को कुछ हो जाता, आप प्रीता को, और तुम्हें तो वो घसीट के ले जाने ही वाले थे ना। चिल, रिलैक्स, आज हम सबने मिलके क्या फाइट की उन गुंडों के साथ यार। एंड दादी, जानकी जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। और जानकी आंटी, आपका जो आइडिया था ना, ब्रूम वाला, झाड़ू वाला, क्या माइंड ब्लोइंग था यार, आई मीन अमेजिंग। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूं, या तुम समझना ही नहीं चाहती? तुम्हें समझ में आ रहा है, वो गुंडे हमारे घर के अंदर घुस आए थे, कुछ भी कर सकते थे। आज तो भाग्य ने हमारा साथ दे दिया, भगवान ने साथ दे दिया, इसकी क्या जरूरत थी उस पछड़े में पड़ने की? तुम अकेली थी वहां उस लड़की की मदद करने के लिए? अरे किसी को बुला लेती, किसी से मदद के लिए तुम चिल्ला देती, किसी कांस्टेबल को फोन करती, पुलिस स्टेशन फोन कर देती, लेकिन नहीं। और वहां खड़े हुए लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे ना, पता है क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ पता है, क्योंकि सारे लोग बुजदिल है, डरपोक है। वो लोग डरते हैं अपने से ज्यादा अपने परिवार वालों के लिए, क्योंकि वो गुंडे कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए दीपक का फोन। दीपक, कैसा है बेटा? वहाँ मुंबई में तुझे रहने के लिए कोई जगह मिली? अच्छा ये बता, तूने सुबह से कुछ खाया पिया है या ऐसे ही घूम रहा है? अरे माँ, मैंने खा लिया है। अच्छा एक बात सुनो, मुझे आपको खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? मुंबई जाते ही ऐसा क्या हो गया? अरे माँ, चमत्कार हो गया, मैंने पहले ही दिन प्रीता को ढूंढ लिया। तो फिर क्या माँ, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, मेरी और प्रीता की शादी। उसने हाँ कर दी? नहीं माँ, अभी तक हाँ तो नहीं की है उसने, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी। माँ ऐसी सुपर्ब एक्टिंग की है ना आपके बेटे ने, ऐसी लच्छेदार रोमांटिक बातें की कि उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। बस माँ यूं समझ लीजिए कि मुट्ठी में आ गई, बस अब मुट्ठी कसने की देरी। तू तो है ही एक नंबर का एक्टर। जब तो छोटा था ना, तब से ही मैं तेरे बड़े स्टार बनने के सपने देखती थी, और अब तो तू मुंबई में है, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करता? अच्छा भी दिखता है और अच्छा एक्टर भी है, तुझे तो आसानी से काम मिल जाएगा। और मेरा भी मन है बेटा कि मैं एक हीरो की माँ कहलाऊँ। अड़ोस पड़ोस के लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए तड़पे। अरे माँ बस बस बस, अपने सपनों की गाड़ी पे ब्रेक लगाओ, और मुझे फिल्मों में काम करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे जॉब भी मिल गई है। क्या, मुंबई जाते ही तुझे नौकरी भी मिल गई? हे भगवान, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है, बधाई हो बेटा। अच्छा माँ आप एक बात सुनिए, आप पंडित जी को बुला लीजिए और कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल लीजिए। लेकिन बेटा, प्रीता ने अभी तक हाँ तो नहीं कहा ना? फिर मैं अभी से शादी की तैयारियां शुरू कर दूं? अगर उसने हाँ कहने में वक्त लगा दिया तो फालतू में सारे पैसे बर्बाद होंगे ना? नहीं होंगे माँ, मैंने ऐसा दिखावा किया है ना, मैंने कहा कि प्रीता मैं बहुत पछता रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा के नाम की स्कॉलरशिप भी शुरू कर दी, जिसमें साइंस में टॉप करने वाली लड़की को 20,000 रुपए मिलेंगे। तू पागल हो गया है, ऐसा क्यों कहा तूने? अरे माँ झूठ बोला मैंने, अब जब तक प्रीता को इस बारे में पता चलेगा तब तक हमारी शादी हो चुकी होगी। और एक बार शादी हो गई ना माँ, तो समझ लीजिए कि मुट्ठी कस गई। चलिए माँ, बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक है, चल। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।